ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 16 और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेंस। तो आज लेंस का फर्स्ट लेक्चर, तो आज तो हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे लेंस क्या होता है, किस किस तरह के लेंस हैं, टाइप्स ऑफ लेंसेज, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, यानी सारी बेसिक बातें बताएंगे लेंस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, और उसके बाद आएगा आपका फेवरेट टॉपिक लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यही तो चाहिए सर, बनाओ ना इसका लेक्चर, आएगा धीमे धीमे, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, स्टार्ट करते हैं ये बेसिक सा लेक्चर लेंस के बारे में। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो आओ हेडिंग लगाओ लेंस। शुरू करने से पहले वेबसाइट का प्रमोशन बंद करो सर, ये वेबसाइट का प्रमोशन, जो बच्चे चाहे वो हमारी वेबसाइट www.physicswallaalakhpandey.com पर जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे कमेंट में दे दिया है। चलो, तो लेंस क्या होता है? लेंस होता है सर ऐसे होता है कॉन्वेक्स, ऐसे होता है कॉनकेव। तो डेफिनेशन क्या है, क्या लेंस? अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट पास करेगी, रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेसेस से बंद हो, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल। ठीक है, तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट डिवाइस है जो दो सरफेसेस से बंद होगी, और दो सरफेसेस में से वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, दो सरफेस में से एक सरफेस स्फेरिकल होना ही होना चाहिए, दूसरा भी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अब कितने प्रकार के लेंस हैं? तो ब्रॉडली देखो तो दो तरह के लेंस हैं, वैसे तो और क्लासिफिकेशन भी आज देखेंगे, टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहले तो ब्रॉडली देखते हैं फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ब्रॉडली दो तरह के लेंस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ऐसे जुम्बा 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 रे जुम्बा जुम्बा ये बन गया कॉन्वेक्स, और ऐसे ही जुम्बा 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 रे जुम्बा जुम्बा ये बन गया कॉनकेव। ठीक, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन क्या है? ऐसे लेंस जो मिडिल में थिक हो और एजेस पे थिन हो। ठीक है, अभी फर्दर क्लासिफिकेशन में ये चीज काम आएगी। तो ऐसे लेंस जो कि थिक इन मिडिल हो, थिक इन मिडिल हो, उनको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। और कॉनकेव लेंस ऐसे जो एजेस पे थिक हो और मिडिल में थिन हो, यानी थिक एट एजेस, थिक इन मिडिल तो कॉन्वेक्स, थिक एट एजेस तो कॉनकेव। अच्छा, एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कॉन्वेक्स लेंस की कि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही हैं तो इनको ये कन्वर्ज कर देते हैं, किसी एक पॉइंट पे मिला देते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं, इसीलिए इनका नाम कन्वर्जिंग लेंस भी है। और ये इनकी प्रॉपर्टी भी है कन्वर्जिंग लेंस, कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है किसी भी तरह का तो लाइट को कन्वर्ज करेगा। और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी यह है कि अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है तो इसको ये डाइवर्ज कर देता है, इसे फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, क्या कर देता है? डाइवर्ज। तो इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। तो कोई भी लेंस दिखने में भले भी कैसा हो, दिखने में भले ही कैसा हो, अगर डाइवर्जिंग नेचर का है तो कॉनकेव और कन्वर्जिंग नेचर का है तो कॉन्वेक्स। थिक इन मिडिल तो कॉन्वेक्स, थिक एट एजेस तो कॉनकेव। अच्छा, एक बात और सुनो, हमारे सिलेबस में जो लेंसेज हैं, हमारे सिलेबस में बात नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो, हमारे सिलेबस में जो लेंसेज हैं, इन आर सिलेबस हमारे सिलेबस में जितने भी लेंसेज हैं सब बहुत ही थिन लेंसेज हैं। इवन आप कोई अच्छी किताब उठाओगे तो वहां पे हेडिंग लिखी रहेगी थिन लेंसेज। जेईई या नीट के लिए कोई अच्छी किताब लगाओगे तो वहां पे लेंस नहीं, हेडिंग में लिखा होगा थिन लेंसेज। आज सिलेबस में बहुत ही थिन लेंसेज है, बनाने को मैंने ऐसे बहुत मोटा मोटा बना दिया जूम करके, असल में बहुत ही थिन लेंसेज, इतने थिन है कि इनकी थिकनेस
नेग्लिजिबल है। ऐसे ही लेंसेज को हम पढ़ने वाले अगले 4-5 लेक्चर में, जितने भी फॉर्मूला, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना भी रे डायग्राम आप पढ़ रहे हो यहां से आगे, सब किसके लिए वैलिड होगा याद रखना, किसके लिए? थिन लेंसेज के लिए, जिनकी थिकनेस टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, अच्छा फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। कॉन्वेक्स भी 3 प्रकार के होते हैं, कॉनकेव भी 3 प्रकार के, वो भी देखते हैं। नोट कर लिया जाए, कॉन्वेक्स मतलब थिक इन मिडिल, कॉनकेव मतलब थिक एट एजेस। कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है? गुफा। देखो इसमें गुफा दिख रही है, लाइट किसके अंदर जा रही है? गुफा सी दिख रही है, ऐसी गुफा सी, लाइट गुफा के अंदर जा रही है, ऐसे याद रख सकते हो कॉनकेव। कॉन्वेक्स बल्जिंग आउटवर्ड होते हैं और ये इनवर्ड, गुफा के अंदर लाइट जाए तो कॉनकेव। जरा फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं, बड़ी बेसिक बातें हैं, थोड़ा तेज चलते हैं, सब आपको पता ही है, 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो, हाँ 6-7 से पढ़ते आ रहे, सही बात है, बाहर सब्जी वाले को भी पता है बात को, कॉन्वेक्स कॉनकेव। तो अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखें इनकी, हम और क्लासिफिकेशन देखें, फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखें, जरा देखना, ये दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, इसको हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, या इसको इक्वी कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज सुनो, अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा बाई कॉन्वेक्स ही मानना। मान लो आपसे कहता है कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ इतनी है वगैरह वगैरह, आप समझ जाना इसी की बात हो रही है। और कैसा हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस? ऐसा हो सकता है, देखो अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाई 2 सर्फेसेस, वन ऑफ विच मस्ट बी स्फेरिकल, दूसरा स्फेरिकल हो, ये कंडीशन लेंस की नहीं है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ से प्लेन है, एक तरफ से कॉन्वेक्स। और तीसरा जरा ध्यान से देखना, तीसरा जरा ध्यान से देखना, ये चांद, ये क्या बन गया, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये इधर से कॉन्वेक्स है और इधर से कॉनकेव है ना, देखो इस तरफ से देखो तो इस तरफ से कॉन्वेक्स दिख रहा है बल्जिंग आउटवर्ड, और इस तरफ से गुफा जैसा दिख रहा है कॉनकेव, तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। अब बेसिकली ये लेंस है कॉन्वेक्स, ये है कॉन्वेक्स, इसका शेप कॉनकेव जैसा है, मतलब इसका अगर आप एक्शन देखोगे तो इसका जो बिहेवियर होगा, इसका नेट जो बिहेवियर होगा, नेट जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, नेट बिहेवियर इसका कन्वर्जिंग होगा, यानी ये नेट बिहेवियर में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। ध्यान से देखो, अभी भी ये थिक इन द मिडिल और थिन एट द एजेस है, अभी भी ये थिक इन द मिडिल है ना। कई बच्चे कहते हैं सर इसी को हम कॉन्वेक्सो कॉनकेव कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसको आप कॉन्वेक्सो कॉनकेव नहीं कह सकते, यहां जो लिखा है वो मेन नाम है और यहां जो लिखा है वो शेप के ऊपर है, मेन मेन नाम ये है, प्रॉपर्टी ये है लेंस की। जैसे यहां पे प्लेनो कॉन्वेक्स, तो एक्चुअल में लेंस है क्या? कॉन्वेक्स, असल में ये कन्वर्ज करेगा लाइट को, असल में ये थिक इन द मिडिल है, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है? कॉन्वेक्स। तो ये जो शब्द आप लास्ट में लिखते हो, ये वर्ड, ये बताता है नेचर ऑफ लेंस, ये तो शेप बता रहा है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, एक तरफ से कॉन्वेक्स, एक तरफ से कॉनकेव, ओवरऑल किसकी प्रॉपर्टी डोमिनेट करेगी? कॉन्वेक्स। नेट बिहेवियर कन्वर्जिंग, दोनों बिहेवियर लड़ेंगे, डाइवर्ज भी करना चाहेंगे, कन्वर्ज भी, बट ओवरऑल ये कन्वर्जिंग होगा, थिक इन द मिडिल होगा। देखो मिडिल में थिक है, एजेस पे थिन है। इसी तरह से कॉनकेव भी 3 तरह के बन जाएंगे, देखो जरा, ये हमारा क्या हो गया? बाई कॉनकेव एंड इक्वी कॉनकेव, दोनों तरफ से कॉनकेव दिखाई पड़ रहा। इसके बाद प्लेनो कॉनकेव, एक तरफ से प्लेन ले लो, ये बन गया प्लेनो कॉनकेव। ध्यान से देखो, थिक इन दी एजेस होना चाहिए। और तीसरा बनेगा ध्यान से, ये क्या बन गया हमारा? कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। बच्चों इसका नेट नेचर कैसा होगा? कॉनकेव, यानी इसके नेट बिहेवियर की बात करें हम,
तो नेट बिहेवियर कैसा होगा इसका? डाइवर्जिंग, यानी लास्ट में ये बनेगा क्या? कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखो, ये थिक इन दी एजेस है, थिक एट एजेस है, थिन इन मिडिल। तो कई लोग बोलते हैं दोनों लेंसेस सेम है, ना ना दोनों अलग है। कॉनकेवो कॉनवेक्स का नेचर क्या है? कॉनवेक्स। कॉनवेक्सो कॉनकेव का नेचर क्या है? कॉनकेव। जो लास्ट में लिखा है वो नेचर बता रहा है, जो पहले लिखा है वो शेप बता रहा है। ध्यान से देखो, इस तरफ से कॉनवेक्स है, इस तरफ से कॉनकेव है, इस तरफ से कॉनवेक्स, इस तरफ से कॉनकेव। बट ओवरऑल देखो, ये अभी भी थिक एट द एजेस है, यही डेफिनेशन है। अगर थिक इन द मिडिल हो गया कॉनवेक्स, थिक एट द एजेस को कॉनकेव। दोनों भी अगर यहां टकराएंगे, थोड़ा सा ये डाइवर्ज करना चाहेगा, कन्वर्ज करना चाहेगा, लास्ट में जीतेगा कौन सा नेचर? डाइवर्जिंग। नोट कर ले, नोट कर ले। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अच्छा एक चीज और बताएं, मान लो एग्जाम में सवाल दिया है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज दिस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऐसे वैसा, आप ये लेंस लेके ट्रीट करना, या वो लेके कॉन्वेक्स लिखा है तो वो कॉनकेव लिखा है, जब तक स्पेशली मेंशन ना हो कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉनकेव लेंस है, तब तक आप एक दिन बताना। ठीक है, आपके सिलेबस में जितना भी हम डिस्कशन करेंगे 90% डिस्कशन इसका और इसका होगा। 90% बार कॉन्वेक्स का मतलब बाई कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब बाई कॉनकेव होगा, बहुत ही कम इनका चर्चा होगी। नोट कर लिया, मिटा रहे हैं इसको, सब बेसिक है यार, मिटा रहे हैं। चलो तेजी से चलते हैं थोड़ा। तो अब फिर से दिमाग में डालो, कॉन्वेक्स का मतलब दोनों तरफ से कॉन्वेक्स, कॉनकेव का मतलब दोनों तरफ से, और लेंस का मतलब क्या है कि कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल हो, दूसरा प्लेन भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, कैसा। अच्छा अब बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह वगैरह की। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा आपको याद हो तो ये टॉपिक मिरर में भी आया था, स्फेरिकल मिरर में, मिरर में एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, है ना। जैसे मान लो ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो ऐसे सर्किल कंप्लीट करते थे, ऐसे स्फीयर कंप्लीट करते थे सर्किल के अराउंड, और ये एक सेंटर में ही जाता था। जैसे मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसे स्फीयर कंप्लीट किया, एक सेंटर में किया। पर लेंसेस के केस में क्या होता है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनते हैं। तो मिरर का बता रहे थे, लेंसेस केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर और दो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी। जैसे कॉन्वेक्स देखो, मान लो ये कॉन्वेक्स, थिन लेंसेस है सिलेबस में भाई, थिन लेंसेस, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस सरफेस का आप जब सर्किल कंप्लीट करोगे ऐसे आएगा, और इस सरफेस का सर्किल कह रहा है स्फीयर कंप्लीट करोगे तो ऐसे है। भाई ये स्फेरिकल सरफेस है, जैसे इस स्फीयर का, इस सरफेस का आप स्फीयर ड्रॉ करोगे तो ऐसे, तो इसका सेंटर मान लो कहीं यहां आया, पहले वाले सरफेस का, इसको मैंने बोल दिया C1। उस तरह जब इसका पूरा स्फीयर ड्रॉ करोगे तो इसका सेंटर मान लो कहीं यहां है, इसको हमने बोल दिया C2। तो C1 C2 यहां क्या हो गए, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इसको ड्रॉ किया आपने, एक इसका स्फीयर बनेगा, इसको ड्रॉ करोगे इसका स्फीयर बनेगा, बोलो समझ में। तो इस वाले को हमने बोल दिया C2, पहले वाले का बोल दिया C1। इस तरह से दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे भाई। इस वाले का देखो, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और इस वाले देखो इसका ये हो गया R2, बोलो आ रहा। तो जहां मिरर में आपको सिर्फ एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलता था, यहां पे आपको R1 R2 मिलेगा। ध्यान देना, इसका साइन वाइन भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, वो तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पे होता है, शायद पढ़ा होगा, आगे आएगा फिर से। क्लियर, एक स्फीयर इधर बनेगा, एक स्फीयर इधर बनेगा, इस वाले का सेंटर इधर और पहले वाले का सेंटर इधर C1, दूसरे वाले का सेंटर इधर C2, ठीक। बाकी इंसिडेंट रेज इधर से आएगी, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे सिलेबस में लेंसेज बहुत थिन होते हैं, तो दोनों R1 R2 हम इसी पॉइंट से मेजर कर लेते हैं। जैसे यहां तो हम R1 को इस सरफेस से ले रहे हैं, R2 को यहां से, बट एक्चुअल में लेंस जो हमारे सिलेबस में बहुत थिन होंगे, तो दोनों को हम मिड पॉइंट से मेजर कर लेंगे। अगर कॉनकेव की बात कर ले हम, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे भी दो स्फेरिकल सरफेस आपको दिख रहा है, ये इसका एक स्फीयर कंप्लीट होगा, एक इसका कंप्लीट होगा, बोलो क्लियर है। इस वाले का सेंटर मान लो यहाँ पड़ गया, यहाँ पे C1,
और इस वाले का सेंटर यहां पड़ गया मान लो C2, इस वाले का यहां C2, इस वाले का यहां C1, C1, C2। इसी तरह से इस वाले का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इस वाले का ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ये देखो, तो दो स्फेरिकल सरफेस जिससे लेंस बना है, उन स्फेरिकल सरफेसेस का जो स्फीयर है उनके जो सेंटर्स हैं उनको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उन स्फेरिकल सरफेसेस के स्फीयर का जो रेडियस है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? ये दो स्फेरिकल सरफेस से बना है, पहले वाले का स्फीयर ये कंप्लीट हुआ, इसका सेंटर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरे वाला स्फेरिकल सरफेस ये है, इसका स्फीयर ये कंप्लीट हुआ, इसका सेंटर यहां, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पहले वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दूसरे। इस तरह से यहां ये पहले वाले स्फेरिकल सरफेस का स्फीयर पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरे वाले का स्फीयर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर 2, तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अच्छा, अब c1 c2 को जॉइन करती हुई लाइन, c1 c2 को जॉइन करती हुई जो लाइन होती है इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, कई किताबों में इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी लिखा होता है, ठीक है, दोनों ही सही है, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, ये जो लाइन है विच जॉइंस टू सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, या उसी को आप क्या बोल सकते हो, ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, अरे जरा इसमें बताओ क्या इसमें भी दो सेंटर है कि इसमें एक ही सेंटर है, बताओ। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में दो सेंटर है कि एक ही सेंटर है, इसका तो समझ में आ रहा है, इस वाले सरफेस का ये स्फीयर कंप्लीट हो जाएगा, यहां कहीं पड़ जाएगा सेंटर C2, है ना, दूसरे वाले का, पहले वाले का सेंटर कहां है सर, इसका तो सेंटर पड़ेगा ही, तो प्लेन सरफेस का कोई सेंटर बनता नहीं है तो इसका रेडियस कहां है, तो ऐसा माना जाता है कि प्लेन सरफेस का जो स्फीयर है वो इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि प्लेन सरफेस का जो स्फीयर है वो कहां जा रहा है, इंफिनिटी, और इसका रेडियस भी कहां है, इंफिनिटी पे। जैसे मान लो इसका हम रेडियस बोल दें आर वन, वैसे वाले का रेडियस बोल दें आर टू, ये तो दिख रहा है आपको आर टू, तो आर टू तो फाइनाइट है बट आर वन की वैल्यू आप क्या ले लोगे, इनफाइनाइट। प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेते हैं, इनफाइनाइट। अब कोई बोले यहां प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनेगी, जरा देखो प्रिंसिपल एक्सिस भी बन सकती है सर, प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहिए, द लाइन जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां कैसे बनेगी जरा देखो, मान लो ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसका स्फीयर कंप्लीट हुआ, इसका सेंटर यहां सी, तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक सेंटर से प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर, आप एक ही सेंटर से प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, यही एक्सिस क्या बन जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? इधर का रेडियस अगर हम आर वन बोल दें, इधर का रेडियस आर टू बोल दें, तो आर टू दिखाई पड़ रहा है, ये रहा आर टू, और आर वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो या प्लेनो कॉनकेव हो, है ना, प्लेनो कॉनकेव हो मान लो, ये मान लो प्लेनो कॉनकेव हो, तो यहां भी इस वाले सरफेस का तो स्फीयर दिख रहा है, तो इसका तो सेंटर एग्जिस्ट करेगा मान लो C1, दूसरे वाले का नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है आपको R1, और इसका R2 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कोई बोले प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराना है, किस पे, प्लेन सरफेस पे, स्फेरिकल पे नहीं, किस पे, प्लेन सरफेस पे, एक इस परपेंडिकुलर गिरा लो, प्लेन सरफेस पे एक परपेंडिकुलर गिरा लो, दैट विल बिकम योर प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के लिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर की रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली, और उनको ज्वाइन करने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, पर जब ऐसा केस आ जाए प्लेनो कॉन्वेक्स का या प्लेनो कॉनकेव का, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर गिरा दो, दैट विल बिकम प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। और प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव में जो प्लेन सरफेस का रेडियस है वो कितना होता है, इनफिनिट होता है, नोट करना, ठीक है। यहां पे दो सेंटर्स नहीं मिल रहे, प्लेन सरफेस का सेंटर इंफिनिटी पे गए,
तो कुछ नहीं करना है, एक का सेंटर मिला है वहां से परपेंडिकुलर मिला प्लेन सरफेस पे, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे एक सरफेस का सेंटर मिल गया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिला, दूसरे का कहां है कहीं इंफिनिटी पे, तो एक से प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर मिला दो, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? बाकी कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स, उसमें तो दो सेंटर मिल ही जाएंगे भाई, वहां तो दो स्फेरिकल सरफेस है ना, जूम जूम दो थे ना, तो उसमें तो दो सेंटर मिल ही जाएंगे, उनको जोड़ दो। यहां पे डाउट होता है ना, बच्चे कई बार कोचिंग में ले जाते हैं तो बोलते थे सर इसमें दो सेंटर ही नहीं है तो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बन सकती। बन जाएगी, एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, किस पे, प्लेन सरफेस पे, एक सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो प्लेन सरफेस पे, दैट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरे वाले कोई रेडियस पूछे किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बोलो हां है इसका, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिट, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिट। कौन सा आर1 होगा, कौन सा आर2 होगा, इसमें टेंशन मत लो, किसी को भी आर1 किसी को भी आर2 बोल सकते, लोड मत हो, ठीक है। हमने इस बार इसको आर वन बोला, यहाँ पे हमने प्लेन वाले को आर वन बोला, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मिटा रहे इसको। चलो तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंस के केस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो, कितने रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो, दोनों की वैल्यू सेम भी हो सकती है, दोनों की वैल्यू अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है और अलग। जैसे आपके बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, इधर से बन गया आपका R1, इधर से बन जाएगा R2, तो बाइकॉन्वेक्स केस में R1 is equals to R2 हो जाएगा। अब प्लेनो कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो कॉन्वेक्स में ऐसा नहीं है, तो दोनों R1 R2 सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो ये हुई बात, नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो कहने को तो हम बोल दें ये लेंस का सेंटर होता है, बट ये बात एकदम 100% ट्रू नहीं है। जैसे इसको आप बोल सकते हो, आप नेट पे भी दूर हो गए लिख देगा इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस, एकदम सच नहीं है कि लेंस एकदम बीच में एक पॉइंट। इसकी जो डेफिनेशन है वो समझो, ऑप्टिकल सेंटर किस पॉइंट को बोला गया, अ पॉइंट on principal axis of a lens through which a ray of light passes undeviated, ऐसा point principal axis पे lens के जिससे एक ray of light अनडेविएटेड पास करे। ये हमने बाइकॉन्वेक्स लेंस बना दिया, ये बाइकॉन्केव लेंस बना दिया, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट होगा, अब इत्तेफाक से बाइकॉन्वेक्स के केस में ये पॉइंट, जैसे मान लो यहां पे अपना C1 है, यहां मान लो C2 है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इत्तेफाक से बाइकॉन्वेक्स में ये पॉइंट लेंस के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आता है। और ये सारी कहानी ट्रू है किसके लिए, बार बार बोल रहे हैं थिन लेंसेस के लिए। तो एक ऐसा पॉइंट है जिससे अगर हम रे ऑफ लाइट पास करें तो अनडेविएटेड चली जाती है बिना रिफ्रैक्शन के, ऐसे जैसे आई थी वैसे ही चली जाती है। एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, एनी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड। अब जैसे बाई कॉनकेव है, इधर इसका सेंटर आ जाएगा C1, इधर इसका सेंटर आ गया C2, ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसके केस में भी ऑप्टिकल सेंटर कहां मिलता है, लेंस के एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर। इन दो में ऐसा होता है, हमेशा ऐसा हो उसकी गारंटी नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर हो सकता है, लेंस के सरफेस पे हो सकता है, लेंस के बाहर हो सकता है, डिपेंड करता है लेंस कैसा बना है, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों बराबर हैं डिफरेंट हैं कैसे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड। कहां होता है ये चीज एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, बट हां इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, ये पता है, जिससे रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाती है, ये पता है। हाँ, अगर कॉमन केस लोगे बाइकॉन्वेक्स बाइकॉन्केव का तो लेंस के बीच में, तब बोल सकते हो फॉर थिन लेंसेस। सारी बातें समझ लेना, फॉर थिन लेंसेस, क्लियर है। सो ऑप्टिकल सेंटर इज दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस through which a ray of light passes undeviated. In case of biconvex or biconcave lens, it is also the geometrical center of the lens. Otherwise, देख लो,
ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड ऑन सरफेस और आउटसाइड द लेंस डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ आर वन एंड आर टू. ठीक है, बट हमारे सिलेबस में 90% हम इन्हीं लेंस से डील करने वाले हैं. मैंने बोला है 90% टाइम आपको बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव ही मिलेगा, तो 90% टाइम आप कह सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के एकदम मिडिल में होगा. और ये सारी कहानी प्रूव होती है सिर्फ थिन लेंसेस के लिए. नोट करो फिर और बातें करें इसके ऊपर, और बातें करते हैं, पहले नोट करो. क्या ऑप्टिकल सेंटर लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर है? ना 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 ना, ऑप्टिकल सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है जिससे रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाती है. ऑप्टिकल सेंटर कैन लाई इनसाइड ऑन सरफेस और आउटसाइड द लेंस डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ आर वन एंड आर टू. बस इस केस में बाई कॉन्वेक्स में अगर आर वन इक्वल टू आर टू हो गया, बाई कॉन्केव में देखो आर वन इक्वल टू आर टू, यहाँ दोनों सरफेस का रेडियस बराबर है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि ऑप्टिकल सेंटर लेंस के एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर में मिल रहा है. इंपॉर्टेंस ये है कि यहां से रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाती है. कोई भी रे ऑफ लाइट आप यहां से पास करोगे तो बिना किसी डेविएशन के पास कर जाएगी, पासेस अनडेविएटेड. अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है कि एक्चुअल में तो अनडेविएटेड नहीं होती, थोड़ी सी डेविएट होती है, बट थिन लेंसेस के लिए ऐसा होता है कि ये अनडेविएटेड दिखती है. क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑप्टिकल सेंटर क्या है. देखो, ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है उस पर एक पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर जहां से रे ऑफ लाइट अनडेविएटेड जाती है. बट अनडेविएटेड जाती है सिर्फ थिन लेंसेस के लिए. ठीक, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीचों बीच मिलता है. हाँ मिलता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो. अदरवाइज ऑप्टिकल सेंटर बीच में हो सकता है, इधर उधर कहीं थोड़ा इधर उधर घूम सकता है, सरफेस पे आ सकता है लेंस के, और आउटसाइड भी जा सकता है, यहां भी हो सकता है, अंदर कहीं इधर उधर भी हो सकता है, सरफेस भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है. ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड फॉर थिन लेंसेस. क्लियर हो गई होगी बात. अब हम बता रहे कि एक्चुअल में अनडेविएटेड नहीं होती, थोड़ी सी डेविएशन होती है, उसको समझते हैं. अब उसको भी समझ लेते हैं कि एक्चुअल में हो क्या है. देखो ध्यान से, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस उठा लो, जैसे कॉन्वेक्स या कॉनकेव कोई भी उठा लो, तो आप बोल रहे हो ऑप्टिकल सेंटर यहां पे है ना. 90% केस में आप कह रहे हो ऑप्टिकल सेंटर यहां पे. ठीक, हम एक काम करते हैं, यहां से ये पीस तोड़ दें, यहां से ये पीस. ध्यान से देखो, ये दोनों पीस ग्लास स्लैब जैसे दिख रहे हैं. आप तो यही ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हो ना 90% समय. तो हमने यहां से एक पीस तोड़ा, यहां से एक पीस तोड़ा, ये दोनों पीस आपको कहीं ग्लास स्लैब जैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं. जरा यहां पे इस पीस को बनाओ ग्लास स्लैब, ऐसा ऐसा बने, करीब करीब सीधा ही दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा कर. अच्छा, अगर एक रे ऑफ लाइट यहां पे आके ऐसे टकराए, मान लो ये एयर है ये ग्लास है, तो यहां पे आप क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे. रे कहां से आ रही? रेयरर से. कहां जा रही? ग्लास डेंसर में. किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ऐसे जाने जगह थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी. बोलो सही, रेयरर से ग्लास डेंसर में आई तो बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल. फिर इस सर्फेस पे आप फिर क्या बनाओगे? नॉर्मल बनाओगे. अब रे कहां से कहां जा रही? डेंसर से. रेयरर किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ऐसे बेंड होगी. अब जरा ध्यान से देखो, ये थी रे आने वाली और ये थी रे जो निकली बाहर. दोनों रे के बीच में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम बोलते थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट. तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि रे पासेस अनडेविएटेड, थोड़ा सा डेविएट होती है, पैरेलल होती है बस. ये अपनी इंसिडेंट रे और ये अपनी इमर्जेंट. तो ऐसा नहीं है कि रे पासेस अनडेविएटेड, डेविएट तो हो गई, देखो पैरेलल है बस इंसिडेंट रे के इमर्जेंट रे. तो ये क्यों बोला पासेस अनडेविएटेड? अगर इसी स्लैब की हम थिकनेस कम करते जाएं, इसी स्लैब की थिकनेस कम करते जाएं, जैसे मान लो इसी स्लैब की हम थिकनेस कम कर दें, कम कर दी हमने,
अब फिर से रे ऑफ लाइट लेके आए, यहाँ पे एल बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब आप ध्यान से देखो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी कम हो गया। इसी तरह से धीमे धीमे आप थिकनेस कम करते जाओगे, धीमे धीमे आप थिकनेस कम करते जाओगे तो करीब करीब आपको ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। ये अनडेविएटेड वाला कॉन्सेप्ट ट्रू है फॉर ओनली थिन लेंसेस, क्लियर। अगर थिन नहीं होगी तो लाइट थोड़ी सी डेविएटेड तो रहेगी, समझ में आया। नहीं यहां से सब आपको बहुत बेसिक चीजें, इसीलिए जल्दी चल रहे हैं। यहां से हमने काटा, हमने बोला एक ग्लास स्लैब बन गया, इसको भी काट के देखो ग्लास स्लैब जैसा दिख रहा है। ये इंसिडेंट एयर से आई नॉर्मल बनाया टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर यहां पे नॉर्मल डेंसर से लेटर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमने देखा देखो ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे थोड़ी सी शिफ्टेड है कि नहीं, और शिफ्टिंग थिकनेस पे डिपेंड करती है। शिफ्टिंग किस पे? थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो आप देखो थिकनेस कम करते गए शिफ्टिंग कम हो गई। आपको याद हो तो हमने शिफ्ट का फॉर्मूला पढ़ाया था शिफ्टिंग ग्लास स्लैब का, तो शिफ्ट का फॉर्मूला था टी इंटू वन माइनस वन बाई म्यू, म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का, टी थी थिकनेस। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। कितना शिफ्ट होगा, कितनी शिफ्टिंग होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप थिकनेस कम करते जाओ, शिफ्ट कम होते 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 इतना थिकनेस कम कर दो कि टी टेंड्स टू, आप इतना थिकनेस कम कर दो कि टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो शिफ्ट भी टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, तब ऐसा लगेगा दैट रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, क्लियर। तो 90% केस में आपको ऐसा दिखेगा कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो लेंस के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है, हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा ही होगा। ऐसा पॉइंट थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड। सच्चाई तो ये है कि अनडेविएटेड नहीं है, थोड़ा सा डेविएट हुई है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पैरेलल निकली है, पर जैसे जैसे आप थिकनेस कम करते जाओगे वैसे वैसे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी, ये शिफ्ट जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल लो या शिफ्ट बोल लो, ये जो शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो गई ना, ये जो शिफ्ट हो गई ऐसे आ रही थी शिफ्ट, वो शिफ्ट भी थिकनेस के साथ कम होती जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। थिकनेस आपने टेंड्स टू जीरो की तो शिफ्ट भी टेंड्स टू जीरो, और ऐसे एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, एक्चुअल में देखो ऐसे जा रही, रियलिटी में असलियत में रे यहाँ पे नॉर्मल, रियलिटी में ये हो रहा होगा, थोड़ा सा शिफ्ट हुई होगी, पर थिकनेस आपने इतनी कम कर दी कि ये शिफ्ट भी टेंड्स टू जीरो हो गई, क्लियर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। मिटा रहे हैं इसको, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑप्टिकल सेंटर का लेंस में वही रोल है जो मिरर में पोल का रोल था, याद है आपको, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो लेंस के केस में ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, चाहो तो लिख लो कहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल सेंटर का लेंस में वही रोल है जो पोल का रोल था मिरर में। मिरर में ऑल डिस्टेंसेज वर मेजर्ड फ्रॉम पोल, लेंसेज में ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, सारे डिस्टेंस हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। चलो अब बात करते हैं हम जरा फोकस की। तो मिरर में एक ही फोकस था, यहां फोकस भी दो है, बाई सेंटर ऑफ कर्वेचर दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो, तो यहां फोकस भी दो है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकंड फोकस, तो फोकस दो है, फोकस बोलो या इसको और क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं, फोकस बोलो या। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट फोकस की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस में देखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस में देखा जाए क्या होता है, मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ गए। अब हम कॉन्वेक्स लेंस बोले तो अपने आप क्या समझ लोगे, बाई कॉन्वेक्स, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। अगर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट लेंस पर आए और आने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, तब इस पॉइंट को हम फर्स्ट फोकस या F1 कहते हैं। क्या? कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जहां से रेज ऑफ लाइट लेंस पे पड़ने के बाद
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए उसको हम फर्स्ट फोकस कहते हैं। यानी अगर यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है इस जगह पे, तो उस ऑब्जेक्ट से जो रेज आती वो लेंस से लड़ने के बाद पैरेलल हो जाती और इमेज कहां बनती, पैरेलल रेज कहां जाती है, इंफिनिटी पे। तो इमेज कहां बनती, इंफिनिटी पे। तो ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जहां पे ऑब्जेक्ट रखने पे उसकी इमेज इंफिनिटी पे बने। ये नहीं समझ में आ रहा तो सिंबल समझ लो, ऐसा पॉइंट जहां से रेज ऑफ लाइट आने पे लड़ने के बाद पैरेलल हो जाए, है ना, लेंस से पास करने के बाद पैरेलल हो जाए। ये तो कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई। कॉनकेव लेंस का कॉन्सेप्ट समझो, कॉनकेव लेंस का समझो, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसकी तरफ आती हुई रे ऑफ लाइट, जिसकी तरफ आती हुई रे ऑफ लाइट लेंस से पास करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, ऐसा पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसकी तरफ आती हुई रे ऑफ लाइट लेंस से पास करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं फर्स्ट फोकस। इसकी तरफ मतलब यहां पे पहुंची नहीं, इसकी तरफ आना चाह रही थी। रेज ऑफ लाइट कमिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन सच अ पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। इंग्लिश आती है मुझको, ए और यहां पे it is at that point on the principal axis of a convex lens through which a ray of light if incident on lens emerges parallel to principal axis, clear? second focus ki baat karte hain jo important hai, second focus isko principal focus bhi bolte hain, matlab main focus yahi hai, sara kaam sara khel isi se hona hai। pehla focus clear hai convex mein kya hai कि जहां से रेज ऑफ लाइट आई तो लड़ने के बाद पैरेलल, कॉनकेव में क्या है जहां रे ऑफ लाइट जाना चाह रही थी तो पास करने के बाद पैरेलल। ओवरऑल आप ऐसे बोल सकते हो ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से रे ऑफ लाइट लेंस पे आ रही हो या जहां को रे ऑफ लाइट जा रही हो लेंस से पास करने के बाद रेज ऑफ लाइट पैरेलल। कॉन्वेक्स में तो एक्चुअली रेज वहीं से आ रही थी पैरेलल हो गई, कॉनकेव में रेज वहां जाना चाह रही थी गई नहीं, इससे लड़ने के बाद पैरेलल। क्लियर है? फर्स्ट फोकस रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस इमर्जेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन सच अ पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट फोकस। rays of light going towards a particular point on the principal axis of a concave lens after passing through lens emerges parallel to principal axis then such a point is called first focus। ab aate hain second focus which is more important aur aage se jab hum focus bolenge to aap second focus hi samajhna yahi important hai, isi se khel hai, isko bhul jao aaj ke lecture ke baad। aao second focus convex lens mein अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो, इसका उल्टा अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो तो लेंस से पास करने के बाद वो एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है, सच अ पॉइंट इज कॉल्ड सेकंड फोकस। अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही हो तो वो लेंस से पास करने के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेकंड फोकस। और कॉमन पॉइंट किस पे होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव लेंस की बात करें, इंपॉर्टेंट यही है सेकंड फोकस, इसी को रिपीट करेंगे भी दो तीन बार, ठीक है, ताकि ये दिल में बस जाए, आंखों में बसी हो तुम। अच्छा कॉनकेव में क्या है? रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस डाइवर्जेस। आप नोट्स डाउनलोड कर लो पीडीएफ, नीचे कमेंट में लिंक है, वहां सारी डेफिनेशन भी लिखी हुई है मैंने लंबी लंबी। अब यहां क्या लिखा है यार, ठीक, आफ्टर पासिंग थ्रू लेंस डाइवर्जेस
The divergent rays on being produced backward, the divergent rays on being produced backward appears to meet. सर आप अकेले खुद ही को पढ़ा रहे हो क्या? अच्छा रुको एक मिनट. Rays of light coming parallel to principal axis of a concave lens after passing through lens diverges. The divergent rays on being produced backward meet at a common point on the principal axis of lens. Such a point is called second focus. ये क्या है second focus का concept बच्चों? कि अगर parallel rays of light आ रही हो, सुनो, अगर parallel rays of light आ रही हो principal axis के parallel, तो या तो वो lens से लड़ने के बाद actual में किसी point पे मिलेंगी convex case में, या तो वो lens से लड़ने के बाद diverge हो जाएंगी और ऐसा लगेगा कि वो कहीं एक जगह से आ रही हैं. That is second focus. Second focus के लिए आप याद रखो parallel rays. क्या याद रखो इसके लिए? Second focus ही important है. First focus को हो सके तो दिल से निकाल दो. Parallel rays याद रखो कि अगर parallel rays आ रही हैं तो या तो lens से लड़ने के बाद वो actual में कहीं मिलेंगी, या तो lens से लड़ने के बाद वो diverge हो जाएंगी, on being produced backward मिलेंगी. Second focus. This is important. This is not that important. Note कर ले. फिर और बातें करते हैं. Definition लिख सकते हो आप. मैं बता रहा हूँ notes में डाला हुआ है. Rays of light coming parallel to principal axis of a convex lens. After passing through lens, converges at a common point on the principal axis of the lens. This point is called second focus. यहाँ पे rays of light coming parallel to principal axis of a concave lens after passing through lens diverges. The divergent rays on being produced backward meet at a common point on the principal axis of the lens. This is point is called second focus. बस parallel rays लानी है, या तो वो सच में converge होंगी या तो diverge होंगी और पीछे लगेगा second focus से आ रही. अच्छा यहीं पे आप साथ में पढ़ लो focal length. तो मैंने आपको बताया लेंस में सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से. कहां से? तो फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. लेंस में सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? ऑप्टिकल सेंटर से. तो ये हो गई फोकल लेंथ. यहां पे फर्स्ट फोकल लेंथ ये, इसको मैं स्मॉल एफ1 बोल दूं. यहाँ पे ये हो जाएगी, इसको स्मॉल f2 बोल दो, सॉरी f1 ही हो रहा है अभी. यहाँ पे फोकल लेंथ ये हो जाएगी, इसको मैं स्मॉल f2 बोल दो. यहाँ पे फोकल लेंथ ये हो जाएगी, इसको मैं स्मॉल f2 बोल दो. ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, 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 इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. सिंबल यूज कर लो इसका, स्मॉल f. क्लियर? स्मॉल एफ. हाँ अच्छा ये बताओ नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट. पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सा होता है? जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे चल रही हो. ये तो कई बार रे ऑप्टिक्स में बात हो चुकी है. The direction of incident ray is taken as positive. तो incident ray ऐसे जा रही, तो यहाँ पे ये positive direction. Incident ray ऐसे आ रही, तो यहाँ पे भी ये positive direction. अब आप ध्यान से देखो, focal length किधर measure हो रही? Opposite direction में, यानी इसका f1 कैसा है? Negative है. यहाँ पे देखो, incident ray इधर ही जा रही है, focal length भी इधर measure हो रही है, यानी इसका f1 कैसा है? Positive है. बट इसको याद मत करना. मैंने बोला ना ये इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है. इस पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज फोकल लेंथ? इट इज द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर. इंसिडेंट रे कैसे आ रही है? ऐसे, ये पॉजिटिव डायरेक्शन. और फोकल लेंथ भी देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, यानी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव. यहां पे देखो इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है इस तरफ, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया. और फोकल लेंथ किसे मेजर हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से पीछे आ रहा है. पॉजिटिव के अपोजिट, यानी इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव. तो मैंने आपको पहले भी कई बार याद करवाई ये बात की
कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। सेकेंड फोकल लेंथ पे ही ध्यान देना है, फर्स्ट फोकल लेंथ का इंपॉर्टेंस नहीं है। पूछ लिया एग्जाम में, मान लो कि रद्दी वाले एग्जाम कोई छोटा मोटा उसमें पूछ लिया, बता सकते हो कि हाँ भाई इसका F1 नेगेटिव, उसका F1 पॉजिटिव, पढ़ाते ही है उसको। भूल जाओ, भूला भूला सर, भूले कैसे सर, भूल ही तो नहीं पा रहे सर इसको, काश भूल जाते तो जिंदगी पर। हाँ बस क्या कह रहे हैं, सेकंड फोकल लेंथ। हाँ ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के डिस्टेंस, बड़ा बोरिंग है ना ये टॉपिक, बेसिक्स ऐसे ही होते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, इसको मैं काट दूंगा। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ, तो F2 इसका F2 पॉजिटिव, उसका नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। फोकल लेंथ मतलब सेकंड फोकल लेंथ, समझ में? इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, फोकल लेंथ, फोकस, फोकल प्लेन, जब भी हम बोले आप अपने आप क्या समझना, सेकंड, अपने आप सेकंड को ही प्रिंसिपल भी बोलते हैं। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव, पैरेलल रेज आएंगी कन्वर्ज, पैरेलल रेज आएंगी डाइवर्ज, अपीयर्स टू कम फ्रॉम अबाउट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऐसी एक कॉन्सेप्ट होता है फोकल प्लेन का भी, अब सेकंड फोकल प्लेन की बात करेंगे सर। ठीक है, फोकल प्लेन का, अच्छा फोकल प्लेन, फोकस और फोकल पॉइंट, इसी के साथ डिस्कस करते हैं इसको। फोकल प्लेन, यहां कोई गधा नहीं है, समझ गया ना? फोकस और फोकल पॉइंट हम किसकी बात करेंगे, F2 की ही बात करेंगे, सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, फोकल प्लेन समझाने के लिए इसको फिर से एक बार देख लो। ये मान लो कॉन्वेक्स लेंस, क्या कॉन्सेप्ट था कि रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई तो लेंस से पास करने के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम बोलेंगे F2। कॉन्केव केस में क्या केस था, क्या था, रेज ऑफ लाइट अगर पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के तो डाइवर्ज हो जाएंगी, और डाइवर्जेंट रेज पीछे ऐसा लगेगा किसी कॉमन पॉइंट से आ रही हैं, इसको हम बोलेंगे F2। अब देखो फोकल प्लेन क्या है, देखो सुनो, कॉन्वेक्स केस में अगर रेज ऑफ लाइट पैरेलल हैं आपस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं ये पता नहीं, आपस में अगर पैरेलल हैं, यहां तो रेज ऑफ लाइट किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के भी, अगर रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं तो ये लेंस से पास करने के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, कोई भी रेज ऑफ लाइट हो आपस में अगर पैरेलल है तो किसी कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, और ये सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर प्लेन में होते हैं जो प्लेन F2 से भी पास कर रहा हो, कोई भी रे ऑफ लाइट हो, फिर से यहां पे देख लो, मान लो ये प्लेन पहले से बना हुआ है, मान लो ये रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है तो ये लेंस से पास करने के बाद किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगी, और ये पॉइंट हमेशा फोकल प्लेन के अंदर होगा। अगर कोई दो रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल हैं, भले ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना हो, आपस में पैरेलल हैं तो वो लेंस से पास करने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, और वो पॉइंट हमेशा फोकल प्लेन के अंदर होगा, फोकल प्लेन F2 से हमेशा पास भी करेगा, ऐसे प्लेन को बोलते हैं फोकल, सेकंड फोकल प्लेन बोलो या फोकल प्लेन से बोलो, क्लियर? पैरेलल रेज हमेशा फोकल प्लेन में मिलती है, ध्यान से देखो, ये भी तो पैरेलल रेज है, ये भी फोकल प्लेन में तो मिल रही है, फोकल प्लेन ये है ना, पैरेलल रेज हमेशा फोकल प्लेन में मिलती हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाएं, तो फोकल पॉइंट में मिल जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं आपस में पैरेलल है तो फोकल प्लेन, ऐसा प्लेन जो F2 से पास करे और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसे काटता हुआ, ये रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इस पॉइंट पे मिली फोकस पे, रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है कहीं यहां नीचे मिली, ऐसे पैरेलल कहीं ऊपर मिली, हमेशा इसी प्लेन के अंदर मिलेंगी। लेट अस गेट समथिंग, अ बुक और अ कॉपी एंड एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट बेटर। मान लीजिए हमारे पास एक कॉपी है, यहां पास है, ठीक है, ये ऐसे लगा हुआ है, मान लो ऐसे, ठीक,
तो रेज ऑफ लाइट अगर आपस में पैरेलल है और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल तो एकदम यहां मिली फोकस पे, अगर सिर्फ आपस में पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ऐसे तो कहीं यहां मिली, ऐसे आपस में पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल नहीं तो कहीं यहां मिली, मतलब हमेशा किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में ही मिलती है पैरेलल रेज। और प्लेन फिक्स्ड है, ऐसा नहीं कि मूव कर रहा है, प्लेन हर बार अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, प्लेन फिक्स्ड है, ये प्लेन फिक्स्ड है। रेज ऑफ लाइट एकदम प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल तो इसके मिड पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऐसे सिर्फ आपस में पैरेलल तो कहीं यहाँ, ऐसे आपस में पैरेलल तो कहीं यहाँ, यानी जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेन में गिरती हैं जिसको बोलते हैं फोकल प्लेन, और फोकस से पास करता है। कॉनकेव में देखो, कॉनकेव में आप देख रहे हो इमेजिनरी फोकस है ना, पीछे आके थोड़ा तो फोकल प्लेन भी इमेजिनरी होगा, क्या होगा, रेज ऑफ लाइट अगर आपस में पैरेलल है, रेज ऑफ लाइट अगर आपस में पैरेलल है, सपोज कर लो ऐसे बना ले, रेज ऑफ लाइट अगर आपस में पैरेलल है तो लेंस से लड़ने के बाद क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्जेंट रेज हमेशा मिलेगी ऐसे पॉइंट पे विच विल लाई इन फोकल प्लेन। थोड़ा सा बना इसको, रेज ऑफ लाइट अगर आपस में पैरेलल है तो डाइवर्ज हो जाएंगी पहले तो लेंस से लड़ने के बाद, और डाइवर्जेंट रेज को आप जब प्रोड्यूस बैकवर्ड करोगे छिछी और डाइवर्जेंट रेज को आप जब प्रोड्यूस बैकवर्ड करोगे कहीं पीछे मिलेगी ऐसे पॉइंट पे जो हमेशा लाई करेगा एक पर्टिकुलर प्लेन में विच इज फोकल प्लेन। क्लियर है, ऐसे देख लो, मान लो ये फोकल प्लेन है और ये फोकल प्लेन किससे पास करेगा, आखिरी बार मुझे आखिरी मौका मिलना चाहिए जज साहब, गलत नहीं बना ना, चलो ऐसे कर लेते हैं, रेज ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये रेज ऑफ लाइट क्या हुई, डाइवर्ज हुई, और डाइवर्जेंट रेज पीछे किसी एक पॉइंट से आती हुई लग रही है और ये पॉइंट हमेशा लाई करेगा फोकल प्लेन में, यानी यहां कहीं F2 भी होगा बीच में, ठीक है, तो यहां से पास करता हुआ एक प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल रेज हमेशा इसी प्लेन में लगेगा कि अपीयर टू मीट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है डाइवर्ज हुई पीछे प्रोड्यूस करके इसी प्लेन में कहीं मिल गई फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है डाइवर्ज हुई पीछे प्रोड्यूस करके इसके फोकस पे, आपस में सिर्फ पैरेलल है गई डाइवर्ज हुई पीछे प्रोड्यूस होकर के इसी के किसी पॉइंट पे, तो पैरेलल रेज अगर है कॉनकेव के केस में तो लेंस से जाने के बाद डाइवर्ज हो जाएगी पीछे प्रोड्यूस करने पे किसी कॉमन प्लेन पे मिलेंगी विच इज फोकल प्लेन, इत्तेफाक से प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाती हैं तो फिर फोकस पे, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फोकल प्लेन। अच्छा एक चीज और समझो, हमारे सिलेबस में लेंसेज इतने थिन होंगे, इतने थिन लेंसेज हैं कि कई बार हम लेंस की जगह स्ट्रेट लाइन बनाना स्टार्ट कर देंगे, इतने थिन लेंस हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस बनाना पाओगे इसे, कोई कहेगा कॉनकेव लेंस बनाओ तो वो भी ऐसे, तो कैसे पता चलेगा सर कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर बोलता है किसी की फोकस पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स और बोलता है फोकस नेगेटिव तो कॉनकेव, ये बात याद रखना बच्चों, आज के पूरे लेक्चर से सब भूल जाना, ये बात बोलता है किसी का फोकल लेंथ पॉजिटिव, सेकंड फोकस की बात होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ नेगेटिव कॉनकेव। R1 R2 का कांसेप्ट अच्छे से एक बार देख लो कि R1 R2 सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है, सेम होंगे बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव के केस में, प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉनकेव के केस में एक R इनफिनाइट हो जाएगा, ये सारे कांसेप्ट अच्छे से इस लेक्चर के याद रखना, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के बीच में होता है सिर्फ उस केस में जब R1 इक्वल टू R2 हो, ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट जहां से रे ऑफ लाइट पासेस अनडेविएटेड, असल में थोड़ा सा डेविएट होती है पर थिन लेंसेज में अनडेविएटेड, एक फर्स्ट फोकस होता है सेकंड, इंपॉर्टेंस क्या है सेकंड का, कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज आती है सेकंड फोकस में मिलती है, कॉनकेव में पैरेलल रेज आती है डाइवर्ज होती है ऐसा लगता है सेकंड फोकस आ रही, इसका सेकंड फोकस पॉजिटिव इसका नेगेटिव, सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां पे बेसिक खत्म होता है लेंसेज का, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।